ये पाइनलैब का ऑटोमेशन है जो पेट्रोल पंप पर लगाया जाता है कंपनी की ओर से। ये पाइनलैब का जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं उनके साथ टाइप रहता है, और कई सारे पंप पे अलग अलग ऑटोमेशन सिस्टम लगे रहते हैं। हमारे पंप पे पाइनलैब का ऑटोमेशन सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पंप स्टेटस, यहाँ पे आपके जो नोजल्स हैं यहाँ पे शो करेंगे, और डिवाइस स्टेटस, जितने सारे डिवाइस रहते हैं यहाँ पे जो कनेक्टेड रहेंगे वो यहाँ दिखेंगे, क्या क्या डिवाइस आपके ऑटोमेशन से कनेक्टेड है। और टैंक स्टेटस में आपको दिखाएगा कि टैंक में जो सिस्टम लगा हुआ है उससे आपको पता लगेगा कि टैंक में कितना फ्यूल है और कितना आपने सेल किया है पूरे दिन में। ये सारी डिटेल्स टैंक के बारे में आपको यहाँ मिलेगी। और पंप कंट्रोल में आप जाके यहाँ पे नोजल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप टेस्टिंग नोजल को ब्लॉक कर सकते हैं, और बैटरी स्टेटस में जाके आप बैटरी का स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस हो गया ऑपरेशन में, आप यहाँ पे जो तेल की प्राइस चेंज यहीं से की जाती है यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस चेंज, और कस्टमर, यहाँ पे आप कस्टमर रजिस्टर कर सकते हैं अपने जो भी कस्टमर हो। उसके बाद आपको यहाँ पे शिफ्ट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ शिफ्ट एंड कर सकते हैं, और यहाँ टैंक का ऑप्शन में देख सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट में आप जाकर देख सकते हैं कि क्या ट्रांजेक्शन, कितना फ्यूल बेचा गया, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, वो सारी डिटेल्स ट्रांजेक्शन में मिल जाएगी आपको, और अदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और ये ट्रेंड्स एक ऑप्शन है, उसके बाद अलार्म है, जब भी कोई अलार्म या फ्यूल कम हो जाता है टैंक में तब अलार्म बजता है, और इंटरलॉक, जब आप टेस्टिंग नहीं करते हैं तब आपके मशीन में इंटरलॉक लग जाता है जिसकी वजह से तेल डिस्पेंसिंग नहीं होता है, मतलब कि MPD से तेल निकलता नहीं है, सारे इंटरलॉक लग जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे ऑटोमेशन से ही सारा पंप कंट्रोल होता है। कोई भी अगर इशू हो तो आप ऑटोमेशन में देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। और आपको कोई भी पेट्रोल पंप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।